इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को सीरिया के अंदर टारगेट किया है। इसराइल अपने एग्रेशन दिखाते दिखाते बहुत बड़े टारगेट को टच करने जा रहा है। इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करते। अगर कोई देश टेररिस्ट टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है, ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फलस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजे, अच्छा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके दो हथियारे गिराए? वो लीडर जिसको हसन नसरुल्ला की जगह पर हिजबुल्ला का लीडर बनना था, चीफ बनना था, उसको भी इसराइल ने मार दिया है। आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में। क्यों? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे पास एटम बम है। दिमाग से पैदल लोग है ना, कौमी पैदल है दिमाग से। तुम्हारे पास एटम बम सबके पास है यार, कोई गाना नहीं गाता। आपने कभी इसराइल को देखा है बोलते हुए हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है? कभी इंडिया को देखा है बोलते हुए, चाइना को देखा है, रशिया को देखा है? कोई नहीं बोलता, छोड़ के पाकिस्तान। यही दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, हमास और हिजबुल्ला के चीफ के मारे जाने के बाद जिस तरह ईरान डायरेक्टली जंग में कूदा है और जिस तरह 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसराइल के ऊपर ईरान ने दागी है, हालांकि कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर अब पूरी दुनिया की नज़रें और पूरी दुनिया की मीडिया की नज़रें इसराइल के ऊपर है कि इसराइल अब किस तरह का जवाब जो है ईरान को देगा। वही दूसरी तरफ इसराइल ने जो सीरिया में रशिया का एयर बेस था वहाँ पे एक एनिमेशन डेपो को भी तबाह किया है, क्योंकि वहीं से हिजबुल्ला को जो है हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। मगर जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है दोस्तों, वैसे वैसे हमारे पड़ोसी जो है उनका जज्बा काफ़ी उबाल मार रहा है, और आपको पता है फिर इनके वो बड़े बड़ी बातें चालू हो जाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि ये लोग करते कुछ नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अब बस इस जंग के ऊपर ही बातें हो रही है, और साथ ही में भारत से जो ईरान ने मदद मांगी है उसके ऊपर बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानियों का इस जंग को लेके और ईरान ने जो भारत को मदद मांगी है उसके ऊपर क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फलस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहमुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बैरी जहाज़ भेज रहा है और अपना असला फराम कर रहा है, इंडिया वहाँ से उठा के अफवाज भेज रहा है, क्योंकि वो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ना। या तो ये हो ना कि आप इसराइल से भी पीछे हो जाएँ। एक तरफ से जो बाइडन का बयान आता है कि हम इसराइल के दफा में जो हो सकता है करें, तो उम्मते मुस्लिमा किधर चली गई है? क्यों नहीं ये क्यों नहीं दिफा कर पा रही? इसका मतलब, इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि कई चीज़ों पे होती मुईशत, मुईशत को देखते हुए सारी उम्मते मुस्लिमा चुप करके बैठी। अब ऐसा नहीं होगा, ये चंद दिनों या चंद महीनों के बाद देखें, फलस्तीन के साथ इन्होंने जंग छेड़ी, लिबनान तक चली गई, सीरिया तक अब पहुँच गई, अब टर्की आएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। एक छोटे से इसराइल को, मैं ये बात करता हूँ कि आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में, नहीं वो फेस कर सकते। कभी इस्माइल हानिया मर रहा है, कभी हसन नसरुल्ला जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है, पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम, खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इसराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इसराइल ढूंढ ही रहा था, और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए विक्टिम कार्ड। और ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस।
ये वाला मामला है ना, आपको पता है ईरान का लाइन है रशिया के साथ, ठीक है, तो जिस तरह पाकिस्तान भी ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, लेकिन मसला ये है कि जो G20 कंट्रीज है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपको तरक्की याफ्ता है, तो वो ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करती है, ठीक है। हमारा जो इतिहाद है वो इस तरह का इतिहाद है कि हर मुसलमान मुल्क का अपना अपना एक इंटरेस्ट है, ठीक है, हम अब इंटरेस्ट बेस है, बेसिकली हम इंटरेस्ट हैं। आप बयानबाजी भी देंगे, आप उसको कंडेम भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। वो इसकी मिसाल इस तरह है कि जब कभी इसराइल पे हम कंडेम करते हैं तो हम कहते हैं ना इनका बायकॉट करें, ये करें, तो मुझे एक बड़ी एक फीमेल कोई आउटसाइडर मेरे ख्याल फॉरेनर बंदी थी, उसने बोला आप सिर्फ चीज़ों को क्यों करते हैं, आप उनकी मेडिसिन का भी करें, हाँ, जो आपकी जान बचाती है, फोन का भी करें, इंटरनेट का भी करें, तो मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप इंजॉय करते हो, तो बाकी कहते जी वो कहते जी इनकी बोतल छोड़ दो, इनकी ये कर दें, तो ये है ना कि मुनाफिकाना रवैया हमारा। तो सबसे पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, हम लोग कर्जे पे चलने वाली कौम है, तो जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम तो मतलब बयानबाजी। पाकिस्तान कह के पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये हो गया और ईरान ये कर देगा वो कर देगा, जैसी बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तानी। आपको पता ही है एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। एक्चुअली मैं पाकिस्तानियों को गलत नहीं मानता इसमें, देयर एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। इनमें बड़ा बेसिक लेवल का एजुकेशन होता है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में इवन जो हायर एजुकेशन है, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हायर एजुकेशन जो कहती हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इवन दे आर एक्सट्रीमली एट अ बेसिक लेवल। तो मेंटली इतने इवॉल्व नहीं हो पाए पाकिस्तानी। अब ये लोग क्या है कि स्टूडियो में बैठ के हल्ला कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए बात यह है, मैं पाकिस्तानियों को वाजे तौर पर, मैं इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूं इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मैं नफरत करता हूं ये बात सच है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट बेस्ड ऑन हेट्रेड फॉर यू विच आई हैव एनी वे, बट आई एम सेइंग इट बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दैट आई हैव। मैंने हिम्मत तो कर दी है, लेकिन ईरान के साथ अब खड़ा तो कोई नहीं। हर टीवी खबर पे ये चल रहा है ईरान को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ईरान कह रहा है कि भाई ये एग्रेशन दिखाना बड़ा जरूरी था। अमरीका ईरान को कहता भी रहा था कि इसराइल तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तुमने हमला नहीं करना। आज तो ईरान देखिए 72 घंटे कहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, इसराइल जो है अटैक करेगा, और जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी इस्लामी कंट्रीज के पास नहीं है, उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के पास कंट्री के पास वो पावर है। शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसके ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। पावर है? वो यही पावर है जो आप ये कह रहे हैं ना टेक्नोलॉजी, ये वो, ये टेक्नोलॉजी सारी चली जाएंगी भाई, ये टेक्नोलॉजी की बात ना करें। पाकिस्तान चाहे ना कब से ये मिसाइल छोड़ दे तो आधा मिस्र भी जाता है, कई किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। अब ईरान ने जो कर दिया ना, ईरान अगर तबाह भी हो जाए ना तो मुस्लिम उम्मा को किसी चीज़ का अब टेंशन नहीं होनी चाहिए। इज्जत की जिंदगी एक दिन से, 100 दिन की बेइज्जती की जिंदगी इज्जत से एक दिन बेहतर है। इज्जत से जी लिया उसने, अटैक करके सारी उम्मत मुस्लिमा के मुंह पे तमाशा दे मारा है उसने, लो भाई हम खड़े हो गए। टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर हो करके सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्ला के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सैंडविच हो गया दोनों के बीच। अब इंडिया का ये रोल होगा कि चंद एक दिन बाद आप यहाँ खड़ी होकर ये बात कर रही होंगी कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसे? वो जहाँ उन्होंने अपनी अफवाज भेजी है, ठीक है, जितनी मर्जी ये चौथे नंबर की मौशत बन गई, ये मौशत ना एकदम से इकोनॉमी क्रैश होने में बड़े बड़े मुल्कों की बाट लग जाती है। गुस्सा है कि इंडिया ने इसराइल के अंदर आर्मी क्यों भेजी? देखिए, जब पाकिस्तान सब्र के साथ बैठा हुआ है, जब उम्मत मुसलमा एक सब्र करके बैठी हुई, आप क्या समझ रही है कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से टेररिस्ट बोल रहे हैं। नहीं, वो टेररिस्ट कह रहे हैं ना, हम तो नहीं है ना भाई। हाँ। वो कह रहे हैं, वो तो हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हमारे तो कभी भी नहीं, हमारे जो जंजू थे या जो हमारे जिहादी थे वो तो कभी भी नहीं ज्यादा थे, वो तो चंद एक सैकड़ों हजारों के ऊपर लाखों के ऊपर भारी थे। ये भी टाइम आएगा, उम्मत मुसलमा जाग रही है, ये ना सोचे। अच्छा। चंद एक मजबूरियों की वजह से अगर कोई चुप है तो वो मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, ये बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखता, डॉलर की मजबूरी कोई चक्कर नहीं है, खत्म हो जाएगी। देखिए, इनकी जो फौज है ना,
ये सबको कंट्रोल करती है, इनके मीडिया को, इनके सोशल मीडिया को, इनके जजेस को, सबको इनकी फौज कंट्रोल करती है। इनकी फौज अभी क्या है? अमेरिका से कौन से बयान आए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में? पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड, पाकिस्तान हमारा बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान पे हमें पूरा भरोसा है, पाकिस्तान और हमारी रिलेशनशिप बड़ी मजबूत है। ये क्यों डायलॉग अमेरिका मार रहा है? भाई पाकिस्तान में कौन से तेल के कुएं निकल गए जो अमेरिका को चाहिए? कुछ तो निकला होगा पाकिस्तान में कि अमेरिका बहादुर इतना खुश है। क्यों? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे पास एटम बम है। दिमाग से पैदल लोग है ना, कौमी पैदल है दिमाग से। तुम्हारे पास एटम बम सबके पास है यार, कोई गाना नहीं गाता। आपने कभी इसराइल को देखा है बोलते हुए हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है? कभी इंडिया को देखा है बोलते हुए? चाइना को देखा है? रशिया को देखा है? कोई नहीं बोलता, छोड़ के पाकिस्तानी। पूरी 25 करोड़ की कौम बावली हो रखी है एटम बम के पीछे। फी सबीलिल्लाह के नारे पर जो जिहाद किया जाता है, उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या ईरान से आने वाला मिसाइल इसराइल बर्दाश्त कर सकता है, क्या अपने आप को बचा सकता है, या ईरान से ना भेज करके, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है अपने टेररिस्ट माइंड को? क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो सीरिया से इसराइल पर एयर स्ट्राइक नहीं करवाएगा? क्या वो सीरिया से इसराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस तरह इन पाकिस्तानियों का जज्बा उभर रहा था। कोई कह रहा है कि एटम बम जो है वो चलाना चाहिए, कोई कह रहा है कि मुस्लिम उम्मा जो है एक होगा, इसराइल जो है ख़त्म हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ये ऐसी बातें ये लोग करते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी बातें तो नादिया जी ने और हमारे मेजर साहब ने सारी बता दी है कि ये जो लोग हैं किस माइंडसेट के लोग हैं, कितने भी पढ़े लिखे हो मगर ये बातें वही करेंगे जाहिलो वाली। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।